नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बजट पेश हुआ है देश का, और देश के बजट में जो सबसे बड़ी बात आई है, आपको याद होगा कि डिजिटल करेंसी की बात की गई है। पीएम मोदी ने भी इसकी जानकारी दी खुद सामने आकर कि वो डिजिटल करेंसी ला रहे हैं और आरबीआई इसे जारी करेगा। डिजिटल करेंसी यानी एक तरह की मुद्रा है जो जिसका लेन देन जो ऑनलाइन किया जा सकेगा मोबाइल के जरिए या फिर और अन्य साधनों से। तो डिजिटल करेंसी की ओर दुनिया बढ़ रही है। आरबीआई जो नोट जारी करती है वो डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है। इस डिजिटल करेंसी के युग में एक ऐसे शख्स की हम बात करने जा रहे हैं, हालांकि उस शख्स को कोई बहुत बड़ा उससे प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो शख्स जो है डिजिटल करेंसी का दीवाना है। ये पीएम मोदी की डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया होती चली जा रही है और इस डिजिटल करेंसी को ये शख्स जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करता दिख रहा है। हालांकि इसका काम जो है वो कुछ अलग है, हम उसके बारे में आगे आपको चर्चा करके पूरी बात बताते हैं, पूरी स्टोरी बताएंगे कि आखिर क्या मामला है। तो ये शख्स जो कभी लालू यादव का करीबी था, आज पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया का दीवाना है। आपको बताएं, खबर है जो राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव का करीबी था ये, और बेतिया का जो राजू प्रसाद है, आज प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया का दीवाना है। बेतिया रेलवे स्टेशन पर बचपन से भीख मांगते हुए जवान हुए राजू ने अब अपने भीख मांगने के धंधे को भी डिजिटल कर दिया है। जी, उसकी दीवानगी इस कदर है कि उसने डिजिटल इंडिया जो देश में तेजी से बढ़ रहा है आगे, और सरकार जो केंद्र सरकार वो प्रयासरत है इसके लिए, उसको उसने अपनाया है। दरअसल उसका धंधा आप समझ गए होंगे, हमने जो बताया कि वो भीख मांगने का धंधा करता है। बचपन से लेकर वो जवान हो चुका है, भीख मांगता है, और अब उसने इस धंधे को भी डिजिटल रूप दे दिया है। जी हाँ, हम उसकी बात कर रहे हैं, आगे आपको पूरी बात बताते हैं। अब उसके लिए वो जेंटलमैन भिखारी के तौर पर भी उस इलाके में उन लोगों के बीच जाना जाने लगा है। दरअसल अब वो ई वाले गूगल पे फोन पे का इस्तेमाल करता है कि जिन्हें देना है उसे पैसे वो इन जरिए से दे, यानी गूगल पे फोन पे ई वॉलेट के जरिए वो पैसे दे, यानी डिजिटल भिखारी है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजू प्रसाद की। और ये बेतिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेतिया की खबर है जहां जो ये शख्स कभी लालू प्रसाद यादव को अपना पिता मानता था, आज पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया का दीवाना है और उस रास्ते पर चलते हुए वो भीख मांगने का ही धंधा कर रहा है, लेकिन पूरा डिजिटली वो भीख मांग रहा है। डिजिटल भिखारी कह सकते हैं उसे आप। तो डिजिटल भिखारी की हम कहानी आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो जब लोगों से वो कहता है कि छुट्टे नहीं है तो मनी ट्रांसफर कर दो बाबू, राजू बिहार का पहला डिजिटल भिखारी तो है ही, उसकी माने तो वह देश का भी एक ऐसा प्रोफेशनल भिखारी है जो डिजिटल इंडिया का दीवाना है और डिजिटली तरीके से भीख मांगता है। तो बेतिया के राजू की बात हो रही है। तो बेतिया के बसवरिया वार्ड संख्या 30 के निवासी जो प्रभुनाथ सिंह अब नहीं रहे, उनका 40 साल का जो इकलौता बेटा है राजू प्रसाद, 3 दशक से जो रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। मंदबुद्धि होने के कारण राजू को पेट पालने के लिए और कोई उपाय भी नहीं दिखा। दरअसल राजू जो है जो डिजिटल इंडिया का दीवाना है वो मंदबुद्धि है, इस वजह से उसे कोई और काम ही नहीं सूझा कि वो किसी और धंधे में लगकर काम करके पैसे कमा सके। तो उसने भीख मांगने का ही धंधा शुरुआत की और लगभग वो 30 सालों से ये काम कर रहा है। मंदबुद्धि होने के कारण उसे और कोई काम समझ में नहीं आया, तो उसने जो स्टेशन से लेकर विभिन्न इलाकों में उसने भीख मांगना शुरू किया। और अब उसने अपने इस धंधे को, अगर कहा जाए कि भीख मांगने का एक धंधा जो उसने किया है, उस पर एक उसे नया रूप दे दिया। जी हाँ, तो राजू के भीख मांगने का अंदाज निराला है, जिस पर लोग फिरा भी है। वह स्टेशन या बस स्टैंड के बाहर निकल रहे यात्रियों को घेर कर मदद करने की अपील करता है। उसके बाद कई लोग से यह कहकर सहयोग करने से इनकार कर देते हैं कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं है। कई यात्रियों ने कहा कि पे फोन आदि ई वॉलेट के जमाने में अब नगद लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस कारण भीख मांगने में दिक्कत होने लगी। तो राजू ने बैंक खाता खोला, जी हाँ, बैंक खाता खोला और ई वॉलेट भी बना लिया। अब वह गूगल पे फोन पे के जरिए भीख मांग रहा है। तो
ये डिजिटल भिखारी की कहानी सुना रहे हैं, बिहार के बेतिया का है ये। कवि लालू यादव को अपना पिता मानता था, 30 सालों से भीख मांग रहा है, लेकिन आज डिजिटल इंडिया का दीवाना है पीएम मोदी, जिसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं देश को पूरी तरह से डिजिटल करने का। तो अब जो है उसमें अगर ये कहा जाए कि ये सहयोग कर रहा है और भीख मांगने की कला जो है उसे भी डिजिटल तरीके से पेश कर रहा है, एक अलग अंदाज में अगर कहें तो। हालांकि राजू के लिए स्टेट बैंक, जो राजू प्रसाद ने बेतिया के स्टेट बैंक में अपना खाता खुलवाया, वो भी इतना आसान नहीं था। उसके लिए उसे कई सारे पापड़ बेलने पड़े। पहले तो पैन कार्ड बनवाना पड़ा, आधार कार्ड बनवाना पड़ा, जो उसके पास नहीं था, लेकिन उसने तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए खुद को डिजिटलाइज कर लिया और डिजिटल भिखारी बनकर अब भीख मांग रहा है। तो खैर, भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम आपको ये स्टोरी इसलिए दिखा रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की जो बात की जा रही है पूरे देश में, तो उसमें एक ये राजू प्रसाद की का जो कदम है, शायद कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का प्रचार करते हुए नजर आ रहा है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।